थैंक यू वेरी मच संगीता. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी प्रिंसिपल ऑफ कोटपुतली कॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ दैट कॉलेज एंड देयर टीम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस समथिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम, वैक्सीन, कोरोना 19. पोस्ट लंच सेशन का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि ऑडियंस जो है स्लीपी फील करती है, लेकिन आई विल ट्राई टू गिव सम इंफॉर्मेशन और शेयर सम इंफॉर्मेशन. ये जो लेक्चर की जो बैकग्राउंड, व्हेन आई टॉक टू संगीता, तो आई फेल्ट दैट कि ये लेक्चर जो है इसको बनाने के पीछे जो मेरी थिंकिंग थी वो ये थी कि कोविड 19 का जो सिनारियो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो अगर आप देखें कि सारे लोग डरे हुए हैं और पिछले 8-10 महीने से लॉकडाउन कई कंट्रीज में चल रहा है, हमारे कंट्रीज में भी चला, और वैक्सीन का जो एक बहुत ही जैसे बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, तो अगर आप पाएंगे कि जो एक आम पब्लिक है वो ये सोच रही है कि वैक्सीन कब आएगी और कैसे डेवलप होती है, इवन क्वालिफाइड लोग हैं उनकी भी जानकारी इस फील्ड में काफ़ी कम है. और अगर आप ये देखेंगे कि पूरी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की पूरी तरह से धराशाही हो गई है, तो दिस इज एक्चुअली ए वेरी ग्रिम सिनारियो ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मेरे से पहले जो स्पीकर्स आए दे टॉक्ड अबाउट इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम क्या काम करता है. चूंकि ये थोड़ा बड़ा लेक्चर था तो आई विल कट शॉर्ट माई लेक्चर, तो इम्यून सिस्टम के ऊपर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा. जो टॉक है इम्यून सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड 19 एंड इट्स कैंडिडेट ऑफ वैक्सीन. यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, इस बच्चे को वैक्सीन लगाई जा रही है. जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको उसका एक कार्ड बन जाता है और उस कार्ड में कई वैक्सीन का रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन लगनी है और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. ये वैक्सीनेशन होता है. और वॉट इज वैक्सीन, अगर सिंपल भाषा में कहें, इंजेक्शन ऑफ किल्ड माइक्रोब इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द माइक्रोब, देयर बाई प्रिवेंटिंग द डिसीज. अगर इसको बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम को हम टीच करें जो भी हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया ओरिजिनेट हो सकते हैं या वायरस से हो सकते हैं, तो उनके अंगेस्ट में हम इम्यून सिस्टम को टीच कर और उसमें मेमोरी डेवलप करें और फ्यूचर में वो मॉलिक्यूल आते हैं और यदि अटैक करते हैं तो उससे प्रोटेक्शन लेना. ये एक इम्यून सिस्टम जो बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट कर देना और उस मॉलिक्यूल को एज ए वैक्सीन यूज करना जिसको हम एंटीजन कहते हैं. वैक्सीन अगर आप देखेंगे कि किस कितने प्रकार की वैक्सीन की जो स्ट्रेटेजी होती है बनाने की वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो ये कई चीजों पर डिपेंड करता है. हाउ योर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड टू द जर्म, हु नीड्स टू वैक्सीनेट इट अगेंस्ट द जर्म. अब जो वैक्सीन हैं वो जनरली जो स्ट्रेटेजी है वो चार तरह की होती है, लाइव एसेंचुएटेड वैक्सीन, इनएक्टेड वैक्सीन एंड सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन. तो वी विल डिस्कस, जैसे कि जो लाइव एटेंचुएटेड जो वैक्सीन है अगर आप उसमें देखेंगे ये वेरी इफेक्टिव वैक्सीन होती है और इसको जिसे कहना चाहिए इन अदर वर्ड्स, इसको वीक कर दिया जाता है. जो एंटीजन जो होता है वो सिमिलर होता है और उसको काफ़ी कमजोर कर दिया जाता है, लेकिन वेरी इफेक्टिव और इसमें बहुत ज़्यादा बूस्टर डोजेस की आवश्यकता नहीं होती. बूस्टर डोजेस का मतलब ये होता है कि यानी इम्यून सिस्टम को फर्दर स्ट्रांग कर देना और उसकी मेमोरी सिस्टम को स्ट्रांग कर देना. जो इस अप्रोच के लिए मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल हैं वो है मीजल्स हैं, मम्स हैं, रुबेला है, इन डिसीज के लिए है. और अगर आप देखें रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, येलो फीवर है. सेकंड वैक्सीन जो आती है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम जो किल्ड वर्जन होता है जन्म का उसको यूज करते हैं. इसमें एक थोड़ी सी डिफिकल्टी ये आती है कि इसमें बूस्टर्स डोजेस की आवश्यकता रहती है और कई बूस्टर्स की आवश्यकता होती है, जैसे जिस जो कि डिजीजेज हैं जो हम जिनसे प्रोटेक्ट होते हैं इस वैक्सीन से, वो है हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज.
अब आती है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। ये पार्ट होते हैं, जैसे प्रोटीन है वैक्सीन वायरस से, अगर कोई प्रोटीन है तो उसका कोई पार्ट यूज कर लेते हैं, और इसमें भी ये काफी इफेक्टिव होती है। टॉक्सॉइड वैक्सीन का मतलब ये है, जैसे इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है कि टॉक्सिन, तो जो भी जो टॉक्सिन जो होता है जो कि हार्मफुल होता है, चाहे वो चाहे वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो, तो उसको यूज करके ये अप्रोच यूज की जाती है, जिसमें अगर देखें तो ये डिफ्थीरिया है, टिटेनस वगैरह के लिए इसकी अप्रोच यूज की जाती है। फ्यूचर वैक्सीन्स हैं वो, अगर आप देखेंगे तो वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से भी ये ट्राई किया जा रहा है वैक्सीन्स के लिए। तो ये तो वैक्सीन के बारे में अलग अलग जो अप्रोच हैं वो अलग अलग प्रकार से यूज हो रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने वैक्सीन के अप्रोच के बारे में बताया, लेकिन अब इसके बाद फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट वन शुड हैव एंटीजन, ये उसकी प्राइमरी कंडीशन है। यदि आपके पास एंटीजन जो फॉरेन मॉलिक्यूल है, जो कोई ऐसा वायरस से ओरिजिनेट है, यदि उससे रिलेटेड अगर आपके पास एंटीजन नहीं है और आप वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट इमेजिन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ये एक प्राइमरी कंडीशन है। इसके बाद यदि आपके पास एंटीजन है तो बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के लिए देन यू विल मूव अहेड। तो सबसे पहली चीज होती है कि अगर एंटीजन दिया तो आप रेट्स और मंकीज में उस स्टडी को स्टार्ट करेंगे और उसका इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब वो एंटीजन उस इम्यून सिस्टम को चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। चैलेंज करने का मतलब कि वो एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एंटीबॉडी अगर जनरेट कर लेता है तो इसको वो इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने रेट्स में एक्सपेरिमेंट प्लान किया या मंकीज में एक्सपेरिमेंट प्लान किया तो एंटीबॉडीज तो जनरेट हो गई, तो क्या वो उस डिसीज को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स तो है लेकिन इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। ये दूसरी कंडीशन होती है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं स्मॉल एनिमल्स में, रोडेंट्स में, और उसके बाद जब रोडेंट्स रोडेंट्स में हम सक्सेसफुल होते हैं तब मंकीज में मूव करते हैं। तो मंकीज में इसलिए बाद में मूव करते हैं कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो डोज फाइंडिंग स्टडीज का आता है। डोज फाइंडिंग स्टडीज मीन्स यू हैव टू ट्राई मैनी डोजेस। जैसे कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाता है, व्हेन ही अप्रोच डॉक्टर, ही और शी अप्रोचेस द डॉक्टर, तो उसमें मेडिसिंस देखी दी जाती हैं। आपने देखा होगा मिलीग्राम वगैरह लिखा रहता है कि इतनी मिलीग्राम की डोज दी जानी है। इसी तरह से वैक्सीन की भी डोज होती है। तो ये डोज फाइंडिंग स्टडीज में भी वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। मोस्ट सूटेबल और जिसका वर्डन कम हो बॉडी पर वो डोज जो है फिर प्रिस्क्राइब की जाती है। इट नीड्स मैनी एक्सपेरिमेंटेशन। देन इसके बाद मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वैक्सीन डेवलपमेंट में। आपने देखा होगा कुछ वैक्सीन जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो ओरली दी जाती है, कुछ वैक्सीन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और अलग अलग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसके लिए भी कई एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज इन स्मॉल एनिमल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। इसके बाद सेफ्टी और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी देखी जाती हैं कि ये वैक्सीन जो हम प्रोसेस में डेवलप कर रहे हैं वेदर दे आर सेफ और नॉट। यदि वो इफेक्टिव भी हैं, इफ दे आर नॉट सेफ दे विल दे कैन नॉट बी लॉन्च्ड, दे कैन नॉट बी यूज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्मॉल एनिमल में हम उनकी टॉक्सिसिटी एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट जो मंकीज है उसमें देखते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वैक्सीन डेवलपमेंट का या ड्रग डेवलपमेंट का। अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंटीजन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंटीजन फॉर मास इम्यूनाइजेशन। इसके बाद आपने कोई वैक्सीन मान लीजिए इन पैरामीटर्स पर खरी उतरती है, तो वो उसका आपके पास यू शुड हैव द लार्ज क्वांटिटी। अगर हम कोरोना के केस में ही अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि यानी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन लगभग 7 बिलियन के आसपास है, इतना ज्यादा एंटीजन हमको चाहिए होगा वैक्सीनेशन के लिए। तो वेदर वी शुड हैव, क्या हमारे पास वो है और क्या हम इम्यूनाइज, उसके बाद हमको उसकी बूस्टर डोजेस भी चाहिए होंगी। तो ये एक अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है फेज, जब ये सारी स्टडीज कसौटी पर खरी उतर जाती हैं तब हम क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का से यहाँ मतलब ये है कि ह्यूमन स्टडीज के लिए आते हैं, जिसमें फेज वन क्लिनिकल ट्रायल। फेज वन क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि
पूरे उस कंट्री में या इंटरनेशनली बहुत अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दे हैव सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी एंड वहां पर वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है और देवर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन कि दिस इज द वैक्सीन या दिस इज द ड्रग बीइंग गिवन टू यू और इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसका ये बेनिफिट हो सकता है। तो उनसे एक रिटिन में कंसेंट ली जाती है और दिस इज सेफ्टी स्टडी। ये एक ओनली सेफ्टी स्टडी होती है, एफिकेसी यानी वैक्सीन या ड्रग की एफिकेसी नहीं उसमें देखी जाती है। पहले ये देखा जाता है कि वेदर इट इज सेफ और नॉट, और उसमें जो डॉक्टर्स कम जो साइंटिस्ट होते हैं दे आर इन्वॉल्व, और उनके डेटा फिर वो रेगुलेटरी एजेंसीज है उनके पास लाए जाते हैं और उसके बाद डिस्कस किया जाता है। जब ये फेज क्लियर हो जाती है देन वी मूव टू द फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी प्लस एफिकेसी रहती है। एफिकेसी का मतलब ये है कि उसकी इफेक्टिवनेस देखना जिसके लिए वो वैक्सीन डेवलप की जा रही है, और इसमें नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जिनकी कंसेंट ली जाती है देयर नंबर इज इंक्रीज्ड, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। एंड दीज रिजल्ट्स जब ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जैसे इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया वहां के हेडक्वार्टर पर उनके रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के बाद यदि इट इज सेफ एंड इफेक्टिव देन वी मूव टू द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी इट इज सेफ इट इज इफेक्टिव। अगर यदि कोई साइड इफेक्ट भी है तो वो कंप्रोमाइजेबल है या माइनर है तो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में चले जाते हैं। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, नंबर बढ़ा दिया जाता है, और ये जैसे आपने देखा होगा कोरोना के केस में भी इसमें सुना होगा कि करीब 30-40,000 पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद अगर ये एवरीथिंग गोज वेल यानी आपका फेज 1 सही गया, फेज 2 सही गया, फेज 3 सही गया, देन वी गो अहेड क्लियरेंस। गो अहेड क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती है, मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, इट इज कंट्रोल बाई द मेडिकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो वो जो है इसको गो अहेड क्लियरेंस देते हैं कि भाई इट कैन बी लॉन्च्ड इन द फॉर द पब्लिक यूज, इट कैन बी लॉन्च्ड, तो उसको लॉन्च किया जाता है। एंड वैक्सीन इज फाइनली लॉन्च्ड बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मास प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी टेक्नोलॉजी अब यू हैव ट्रांसफर टू द ICMR बट ICMR is not going to produce the vaccine. This has to go to the some pharma company or vaccine developing companies like Serum Institute of India in India. तो इसलिए ये companies ऐसी हैं जो vaccine का production करते हैं, तो उनको technology transfer की जाती है। और जैसा आप जानते हैं जैसे SSI हमारे यहाँ है वो world की 60% vaccines का production करती है, तो उनको ये टेक्नोलॉजी फॉर्मली और उसका जो टेक्निकल नो हाउ है वो ट्रांसफर साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं करंट स्टेटस ऑफ COVID-19 वैक्सीन। इसके बारे में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ COVID-19 वैक्सीन 128 पूरे वर्ल्ड में ट्राई की जा रहा है। अगर आप मैंने अभी आपको शुरुआत में ये बताया कि जिससे कहना चाहिए कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन रही है, ऐसा हमने पूरे सेंचुरी में भी नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट आर सिटिंग साइलेंटली, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट दिस प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग स्टिल। इसके बाद भी 128 अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। 92 वैक्सीन अंडर प्री क्लिनिकल ट्रायल, 92 वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल यानी ह्यूमन से पिछली जो स्टडीज हैं, निचले लेवल की जो स्टडीज हैं उस पर वो उस स्टेज तक पहुंची हैं। वैक्सीन अंडर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, 24 वैक्सीन जो हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में चल रही हैं और उनके डेटा इकट्ठे हो रहे हैं। वैक्सीन अंडर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, इसमें 14 वैक्सीन हैं। जैसे मैंने आपको बताया फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी स्टडी है और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी प्लस एफिकेसी यानी इसकी साइड इफेक्ट तो नहीं देखना और उसके साथ उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, तो इसमें 14 वैक्सीन है। करेंट स्टेटस ऑफ वैक्सीन में अगर आप देखेंगे वैक्सीन अंडर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 9 वैक्सीन हैं। अब ये मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट किया क्योंकि टाइम कम है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। डिफरेंट कंट्रीज जो कोरोना 19 वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं उसकी ये लिस्टिंग है और ये कितने कंट्रीज किस किस वैक्सीन में इन्वॉल्व हैं उसकी ये एक लिस्टिंग है।
ये जो टेबल अगर आप देख रहे हैं तो ये डिफरेंट फेजेस में जो वैक्सीन्स चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका स्टेटस इसमें दिया गया है। अब ये देखेंगे कि ये हमको जानना जरूरी है कि जैसे अलग अलग कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज इसमें मनी को जिसे कहना चाहिए पंपिंग कर रहे हैं, और मनी की कोई कमी नहीं है, और वैक्सीन्स के लिए जो अलग अलग जो कंपनीज दावा कर रही हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये कितने परसेंट इफेक्टिव है। तो मॉडर्ना अगर आप वैक्सीन देखें तो मॉडर्ना करीब 90% से ऊपर है, फाइजर भी 90% से ऊपर है। इसकी जो वैक्सीन है अलग अलग नाम से, स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है ये भी करीब 93% है। एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड जो हमारे यहाँ भी इसको ट्राई किया जा रहा है वो 70% है। COVID-19 वैक्सीन्स आर बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ आई एम फीलिंग रियली प्राउड टू से दैट इंडियन साइंटिस्ट आर लीडिंग इन डेवलपिंग द COVID-19 वैक्सीन। तो इसमें टोटल जो वैक्सीन्स हैं जो इंडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है वो है 8। ये डिफरेंट जो कंपनीज हैं कोलोबोरेशन में काम कर रही हैं, जिसमें आप मैं कुछ को नेम दे सकता हूँ, जैसे कोविशील्ड वैक्सीन जो लॉन्च हो चुकी है, कोवैक्सिन वैक्सीन है वो भी लॉन्च हो चुकी है। ये दो वैक्सीन ऐसी हैं जो कि हमने 16 जनवरी को देखा इसका, और आगे भी चलेगा इसका। इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, कैडिला हेल्थ केयर अहमदाबाद, रेडी लेबोरेटरीज हैदराबाद, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, बायोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद, जी हाँ पुणे, एंड भारत बायोटेक हैदराबाद। अब इंडिया की जो वैक्सीन है उनका स्टेटस क्या है, जैसे अगर आप ये देखेंगे जो फर्स्ट वैक्सीन है वो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोलोबोरेशन में, इसको इंडियन नेम जो है कोविशील्ड दिया गया है, और इसकी परमिशन इमरजेंसी परमिशन की जिसे कहना चाहिए कि दे दी जा चुकी है। और ये जो है 16 जनवरी को इसको कई सेंटर्स पे दिया गया। सेकेंड वैक्सीन जो है ये जो वैक्सीन है इसको कोवैक्सीन नाम दिया गया है, इसको भी इमरजेंसी परमिशन दी जा चुकी है और इसका भी लॉन्च हो चुका है। थर्ड जो वैक्सीन है वो जाइडस कैडिला कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है, और ये फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के इसके रिजल्ट आ रहे हैं। इंडियन वैक्सीनेशन ड्राइव इन नंबर्स, तो 8 वैक्सीन जो हैं कैंडिडेट्स अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया उसको ट्राई कर रहा है कोलोबोरेशंस में, और इंडिविजुअली 230 मिलियन सिरिंजेस के ऑर्डर दे दिए हैं। यानी देखिए कितना भारी नंबर है, जिसे देखना चाहिए कि इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। और 28,947 कोल्ड चेन को तैयार कर लिया गया है। कोल्ड चेन का मतलब यह है कि वैक्सीन अगर कंपनी से निकलती है तो वो अगर 4 से लेकर 8 डिग्री तक उसका स्टोरेज होना है तो उसके लिए कोल्ड चेन की आवश्यकता होगी। तो ये कोल्ड चेन का भी तैयारी कर ली गई है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज और डिफरेंट सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया गया। 1.5 लाख जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको ट्रेन कर दिया गया है। 30 करोड़ इंडियंस टू रिसीव फर्स्ट वैक्सीन शॉट। और अगर आप देखेंगे मई जून तक 30 करोड़ का टारगेट रखा गया है कि इनको वैक्सीनेशन दे दिया जाए। इंडिया में जो वैक्सीन हैं उनके नाम जो दिए गए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है उसको कोविशील्ड के नाम से जाना जा रहा है, और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की वैक्सीन है। अब ये आप देखिए कि हमारी 125 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमने कितने डोजेस का ऑर्डर दिया है, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज ने क्या ऑर्डर दिया है, इसकी एक ये जो फिगर है वो शो कर रहा है। इंडिया ने जो ऑर्डर दिया हुआ है डिफरेंट कंपनीज को वो 1.6 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया हुआ है करेंटली, और ये आगे बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट कंट्रीज हैं, इन्होंने 1.43 मिलियन डोजेस का इन्होंने ऑर्डर दिया है। यूएस ने 1 मिलियन का ऑर्डर दिया है। ऐसे देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज ने अलग अलग ऑर्डर वैक्सीन को सिक्योर करने के लिए दिया है, अपने कंट्री कंट्री मैन को सुरक्षित करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने न्यूज़पेपर्स में काफी पढ़ा होगा, कोरोना वायरस वैक्सीन ड्राई रन, ये क्या होता है? तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो भी ट्रेनीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें एक जिसे कहना चाहिए मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल का मतलब ये था कि एक्चुअल वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च करने से पहले वी हैव टू सी कि हमारे सिस्टम में कोई लैकुना तो नहीं है। वैक्सीन जब वहाँ से रिलीज होती है, जो हमारी कंपनी से रिलीज होती है, फिर वो डिफरेंट सेंटर्स में पहुँचती है, उसके स्टोरेज से रिलेटेड
और ये एक तरह से पूरी मॉक ड्रिल डिफरेंट सेंटर्स पे इंडिया में की गई और ये देखा गया कि इसमें कोई खामी तो नहीं है, स्टोरेज से रिलेटेड है, एमनाइजेशन से रिलेटेड है और दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए एक ऐप भी डेवलप किया गया। तो ये एक ड्राई रन इसको नाम दिया गया कि ये, और इससे जो एक कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस लिया गया और इसके आधार पर जो भी हमारे लैकुनास थे उसको सही किया गया। कोरोना 19 वैक्सीनेशन इन इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया कोरोना 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन 16 जनवरी 2021। ये आप देख सकते हैं कि ये मैक्स हॉस्पिटल साकेत जो है दिल्ली का है और यहाँ पर जिस दिन 16 जनवरी को जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया था उसको ये डेकोरेट किया गया और जिससे कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें थे, वॉलंटियर्स थे उनको, और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब होता है हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये प्रायोरिटी पर इनको वैक्सीन दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वहाँ उस सेंटर का सीन है। ये देखिए, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर में लोगों को जो मन में फियर है और कन्फ्यूजन है कि वेदर वैक्सीन इज सेफ और नॉट, तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में इस वैक्सीन को लिया। ये आधार पूना वाला जी हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना में सिचुएटेड है उसके ये मालिक हैं और ये वैक्सीन की डोज पूना में लेते हुए। ये पैरामेडिकल स्टाफ है, अलग अलग सेंटर्स के ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे, वैक्सीन दी जा रही है। ये भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये दिल्ली का फोटो है, ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी खड़े हुए हैं, ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए। वैक्सीन लेते टाइम आदमी थोड़ा नर्वस फील करता है, इंजेक्शन लेते टाइम। ये किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, उनको वैक्सीनेशन करते हुए। अब प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, आफ्टर वैक्सीनेशन एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट दिस। वी नीड मोर डेटा ऑन ह्यूमन स्टडीज टू रीच ऑन फाइनल कंक्लूजन। जैसे ये जो वैक्सीन है इसको काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है, डिफरेंट वैक्सीन को, इट नीड्स 4-5 years। अगर आप ये देखें किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने में, इफ एवरीथिंग गोज वेल, जितनी भी स्टेजेस हैं वैक्सीनेशन की, यदि सब कुछ सही जाता है तब इतना समय लगता है। तो अभी हमें मोर डेटा, जिसे कहना चाहिए कि वी नीड डेटा, और डेटा हमारे आने बाकी हैं रिगार्डिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन लॉन्ग रन, मेमोरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, मेमोरी जो कैसी रहेगी, यानी जब मान लीजिए इसका शेड्यूल पूरा कर लिया जाता है किसी भी वैक्सीन का, तो वो 4 साल बाद 5 साल बाद वो यदि दोबारा से इन्फेक्शन होता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन कैसा रहेगा, एफिकेसी ऑफ वेरियस वैक्सीन, जो अलग अलग वैक्सीन जो ट्राई की जा रही हैं उनकी एफिकेसी किस लेवल पर होगी, तो इसके रिगार्डिंग हमको और डेटा आएंगे हमारे पास और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे, तो उन डेटा का एनालिसिस होगा। तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर वैक्सीनेशन हमको एकदम पूरी तरह से और इसके रिजल्ट आने के बाद ही हम कंक्लूसिवली कुछ कह सकेंगे। प्रिवेंटिंग मेजर्स इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन होने के बाद हम ये फील कर रहे हैं कि वी विल बी फ्री, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास सफिशेंट डेटा नहीं है। यदि पूरे डेटा हमारे पास आ जाएंगे तो तब उसके बाद कंक्लूसिवली वी कैन से दैट। जैसे अगर आपने पोलियो की वैक्सीन में देखा होगा कि भाई हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं और वैक्सीन लेने के बाद वी आर फ्री और वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई हमारे, अब अगर पोलियो का वायरस हम पर अटैक भी करता है तो हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें पूरी तरह से अच्छे डेटा आ चुके हैं और वो वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है वैक्सीन। तो इस दौरान हमको क्या करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन रखनी ही है, यूज ऑफ मास्क करना ही पड़ेगा, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो होते हैं जो भी मेडिसिन से, जैसे विटामिन बी है, विटामिन सी है, इनको हम बीच बीच में लेते रहें, पानी का काफ़ी पीना चाहिए हमको, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे कि लंग की पावर बढ़ती है उसको भी हमको करना चाहिए, हेल्दी डाइट हमको लेनी चाहिए। ये मैंने देखा था कि ये कल ही मैंने ये दो स्लाइड्स ऐड की थी कि अगर हम ये देखें कि इंडिया और राजस्थान ने उसमें कैसा किया है और दूसरे जो स्टेट्स हैं इंडिया के उन्होंने कैसा किया है, तो इसमें कोई, इसमें कहने में कहीं भी हमको हिचकिचाहट नहीं है कि इंडिया इज लीडिंग।
डिस्पाइट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप ये देखें इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, उसके बावजूद भी इंडिया वैक्सीन बनाने से लेके वैक्सीन की लॉन्चिंग से तक और लॉकडाउन पीरियड में भी हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हमको यहीं सेटिस्फाई नहीं रहना है, हमको अपना बिहेवियर अभी जो वैक्सीन के दौरान है उसी तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि दिस डिसीज इज नॉट गॉन, डेंजर इज नॉट ओवर। तो अगर आप ये देखें इंडिया ने भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और इन कंट्रीज के लिए भी वैक्सीन को देने का वादा किया है और इनको भी वैक्सीन दी जाएगी इंडिया के द्वारा। ये दूसरा कल ही एक न्यूज आइटम था कि दुनिया में सबसे सुरक्षित साबित हो रहे हैं भारत में बने टीके, यानी जो एडवर्स इफेक्ट की जो न्यूज आ रही है, जो डेटा आ रहे हैं, तो इंडिया की जो वैक्सीन है उसमें 0.001% लोगों में कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं जो भी टेम्परेरी हैं और वो डिसअपीयर हो रहे हैं। लेकिन अभी और इस दिशा में जो है, इस डायरेक्शन में डेटा आने बाकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।